गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना जुर्म है। इस दुनिया में जितने भी जीरो आए हैं, चाहे वो इंसान हो या चरिंद परिंद, किसी को भी अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया। किसी भी इंसान को देख लें, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, शक्ल व सूरत में, आदात व अतवार में, रहन सहन, सोच, पसंद नापसंद, सब की मुख्तलिफ। हर इंसान हर वक्त किसी जदोजहद में मसरूफ़ नज़र आता है। सबका कोई ना कोई जीने का और इस दुनिया में आने का एक मकसद है। कुछ लोग इस हकीकत को बहुत जल्द समझ जाते हैं और वक्त पर सब कुछ पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बेमकसद ज़िंदगियां गुजार जाते हैं, मरने के बाद उनका नामो निशान नहीं होता। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे, हाली क्या करके आए हो? तो मैं फरिश्तों को बताऊंगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर आया हूँ। तो फिर तो सोचिए हमने क्या किया है। हमसे फरिश्ते पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? सबके पास 24 घंटे ही थे। अब बिल गेट्स को उठा लो, उसके पास भी 24 घंटे थे। एक मज़दूर और एक फ़कीर को उठा लो तो उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बादशाह हैं, साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन गुजरे हैं, कायदे आज़म अलामा मोहम्मद इकबाल, उन सबके पास 24 घंटे ही थे। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। वक्त की तकसीम बराबर है, बस उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। कोई भी लम्हे ज़ाया नहीं करने। सब कुछ कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना। गलत जगह पे जज्बे ज़ाया मत करना। अगर आपने इस दुनिया में आके कुछ किया ही नहीं है तो लोग आपको क्यों याद रखें? आपका इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है? आपने कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रोल मॉडल का सिलेक्ट करना। आप जिस शोबे में भी कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले ये है कि उस शोबे के वो कामयाब लोग जिन्होंने निचले दर्जे से अपना कैरियर स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी के जीने चढ़ते गए, उनकी ज़िंदगी, उनके कैरियर, उनकी स्ट्रगल्स, उनको आने वाले चैलेंजेस को पढ़ें और देखें कि उन्होंने किस तरह उन सब मुश्किलात का सामना किया। और मुश्किलात तो हमेशा आती हैं। आपके रास्ते की मुश्किलात ही उस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि आपका काम शुरू हो गया है, यानी कि मुश्किलात ही मंजिल का पता देती हैं। कभी भी मायूस नहीं होना, अपनी मेहनत, अपना काम हमेशा लगन और ईमानदारी के साथ जारी रखना है और अपने मकसद से पीछे नहीं हटना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपना मकसद हासिल करने से नहीं रोक सकती। शुक्रिया।